क्लास 7 मेजरिंग टाइम हम देख रहे थे, इसमें हम पेज नंबर 148 में सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमने देख लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ वन सेकेंड। वन सेकेंड का टाइम इंटरवल कितना बड़ा और कितना छोटा है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाई वन सेकेंड। जो हम अगर हम बोलते हैं 2001, तो ये इसको बोलने में लगभग कितना लगता है, एक सेकेंड लगता है। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010। तो आप इसकी इसको वेरीफाई करिए, बोल बोल कर 2001 से लेके 2010 तक बोलिए और वेरीफाई करिए कि किसको बोलने में एक सेकेंड लग रहा है। ओके, द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। जो पल्स रेट होता है नॉर्मल ह्यूमन का, यानी जो एडल्ट होते हैं उनकी जो पल्स रेट होती है वह लगभग 72 बार होती है एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में, यानी एक मिनट में जो पल्स रेट होती है वह 72 बार होती है, जिसे हम पिछले भी कई पिछले एक बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर था जिसमें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन वगैरह जो चैप्टर था, ब्रीथिंग वगैरह चैप्टर था, उसमें भी आप ये चीज़ पढ़े हैं कि जो पल्स रेट होती है एडल्ट ह्यूमन की वह कितनी होती है। वन मिनट में 72 टाइम्स होती है, यानी एक मिनट में 72 बार पल्स रेट होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 10 सेकेंड में 12 बार, यानी 10 सेकेंड में कितने बार हुई, 12 बार। ओके, द रेट में भी स्लाइडली हायर फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों में ये थोड़ी जो ये टाइम्स है 72 टाइम्स है या फिर जो 12 टाइम्स है, ये बच्चों में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आगे देखिए, मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस जो थी, जो वर्ल्ड में, जो दुनिया में अलग अलग जगहों पे यूज होती थी, उसमें से पेंडुलम क्लॉक के पहले वो बहुत ही पॉपुलर थी। यानी पेंडुलम क्लॉक के आविष्कार से पहले भी कई सारे डिवाइसेस यूज होती थी वर्ल्ड में, दुनिया में वो बहुत ही पॉपुलर थी, जिसमें क्या था, सन डायल था, वाटर क्लॉक था और सैंड क्लॉक था। वो सैंड क्लॉक, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कैसा दिखता है वो, ये देखिए ये सन डायल है, इस सूरज की रोशनी के हिसाब से चलता है, जो कि जंत्रम मंत्रम दिल्ली में है, यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम उसका। ये दिया हुआ है सैंड क्लॉक दिया है, इसमें बालू भरा रहता है। ठीक है, ये शीशे का होता है, इसमें हमें दिखाई देता है। और ये है वाटर क्लॉक, ठीक है, इसका अंदाज़ा पानी से हम लगा सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये भी तीनों बहुत पॉपुलर थी जब पेंडुलम घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेज वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग तरह के डिज़ाइन के डिवाइस को अलग दुनिया में, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया था। मेजरिंग स्पीड, अब हम स्पीड किस तरीके से मेज़र करेंगे। हैविंग लर्नड हाउ टू मेज़र टाइम एंड डिस्टेंस, आपने पढ़ लिया, जान लिया और समझ लिया कि हम टाइम को और डिस्टेंस को किस तरीके से मेज़र करेंगे। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपने ये भी जान लिया कि डिस्टेंस और टाइम यदि आपको पता है तो आप स्पीड भी किस तरीके से पता लगा सकते हैं। लेट्स फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलाउंड ए ग्राउंड, ग्राउंड पे चलते हुए एक बॉल की स्पीड को चलिए पता लगाते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए ग्राउंड विथ ए चॉक पाउडर और ए लाइम, क्या करना है कि आपको चॉक ले लेना है या फिर चूना ले लेना है, उससे क्या करना है, एक लाइन बना देना है ज़मीन पे। एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 meters अवे फ्रॉम इट, और आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो इस लाइन से 1 to 2 meters दूर खड़ा हो जाए। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन, उसके बाद क्या करना है कि अपने फ्रेंड से कहना है कि वह एक बॉल को ले, बॉल को उस ग्राउंड पे क्या करें, रोल करा दे, गिरा दे, ठीक है, चला दे उस पर। नोट द टाइम, टाइम एट द मोमेंट ऑफ बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो आप जब उसको बॉल को जैसे ही वो गिरा के छोड़ता है, आप जब वो बॉल क्या करने लगेगा, मोमेंट में आ जाएगा, जैसे ही वो बॉल उस लाइन को क्रॉस करे, ठीक है, और रुके, आपको उस टाइम को नोट करना है। जैसे ही बॉल को वो गिरा के छोड़ा, वो क्या करेगा, उस धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस लाइन को वो क्रॉस कर लेगा। जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करने के बाद बॉल रुकती है, क्या करना है, हमें उस टाइम को नोट कर लेना है, जैसा कि फिगर यहाँ पे 13.6 में दिखाया जा रहा है। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है ना, इसको देखिए, समझिए क्या करना है आपको, क्या करना है, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन खींच देनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, आप इस तरीके से अपने यहाँ पे आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो बॉल को रोल करा के छोड़ दे। जैसे ही वो बॉल को रोल करा के छोड़ा, तो बॉल कुछ दूर आगे गई और आगे जाके रुकेगी, तो जैसे ही बॉल रुकती है उस टाइम को आपको नोट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम एज इट इज़ आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओके।